बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपकी होस्ट किस्मत शहजादा की खिदमत में हाजिर है। कैसे आप सब आई हो? आप सब लोग खैर से होंगे और अल्लाह के बिल्कुल खैर से हो। और मेरी हमेशा से आप सबके लिए यही दुआ है, इस वक्त में जो भी देख रहे हैं जो नहीं भी देख रहे हैं, अल्लाह तुम से तंदुरुस्त में लंबी जिंदगी अदा करे। तो गाइस आज हम लोग करते हैं शुरू। जैसा कि आप लोगों को पता है, सर्दियाँ भी जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं और मौसम आजकल बहुत ख़राब रहता है। सुबह दिन ठंड होती है, रात को ठंड होती है। तो फाइनली कपड़े जो है वो मैंने धो लिए। आज जो है वो ये आज के नहीं, मतलब मैं कल के कपड़े धो रही हूँ। कल मैंने सारे कमरे के जो भी थे बेड शीट सोफों के कवर वगैरह वो मैंने धोए, आज भी धो रही हूँ। कल जो है सुबह फर्स्ट टाइम से मैं मतलब शुरू हुई हूँ, शाम को मेरे कपड़े ख़त्म हुए हैं। तो ये कुछ रह गए थे, मैंने कहा चलो अभी फर्स्ट टाइम ये धो लेते हैं। और जो सर्दियों की वजह से मतलब रूम की सफाई कर रहे हैं, फिर आप लोगों को पता है धूप को हम तरस जाते हैं कि सर्दियों में धूप निकले। तो हमारी ये रूटीन है, मतलब जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हो तो हम कवर रूम की सफाई करते हैं, कपड़े शपड़े जो होते हैं वो हमने धोने होते हैं। तो सर्दियाँ स्टार्ट होने से पहले मैंने कहा चले एक कमरे के जो भी कपड़े हैं वो मैं धो लूँ और उनकी अच्छे से सफाई कर लूँ। सर्दियों में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो अभी जो है मैंने कपड़े धो लिए सारे और कुछ करने के लिए छत के लिए जी। ये है मेरी बेड की चादर, बेडशीट ये एक नहीं है, ये मैंने तीन पहले धो ली है, कल धोई थी और लास्ट ये बेड पे थी जो मैंने आज मतलब धोई है। क्योंकि आप लोगों को पता है अगर एक चादर खराब हो जाए तो मतलब दूसरी पहन ले, इसलिए मैंने बेडशीट जो है ये चार पांच बनाई हुई है ताकि जो है बच्चे अगर ख़राब कर भी दें तो फिर हम दूसरी फेंक लें, एक टाइम बंदा नहीं भी धो सकता। तो बाकी जो तीन चार थी वो तो मैंने कल ही धो ली थी, और तो उनकी जो है क्योंकि कल जो है सर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और कल मैं थकी बहुत ज़्यादा थी, जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा कपड़े थे वो मैंने धोए, तो मैंने कहा चले आज जो है वो ब्लॉग बना लेते हैं। आप लोगों से जो है रूम की सफाई कर रही हूँ, ये आप लोगों से शेयर कर लेते हैं। जी फाइनली तो जो नीचे कपड़े थे सोफे कवर जो बंद हुए थे वो भी मैं लेके आ गई हूँ। ये बहुत वजनी है, ये मैंने बड़ी मुश्किल से ये मैंने धोए हैं और ये मैं सुबह फास्ट में उठी ना सबसे पहले मैंने ये धोए, मैंने कहा ये कुछ भी नहीं होंगे, सर्दियों की धूप आपको पता है बहुत मुश्किल नहीं है। पहले जो है मैंने सोफे के कवर मतलब वो जो कपड़ा मैंने लिया था बेडशीट के साथ वही बनाए हुए थे, लेकिन बच्चे हमारे बहुत शरारती हैं, वो जब सोफे के ऊपर चढ़ते थे तो वो कपड़ा सोफे सर उतर जाता था। फिर बाद में हमने ये लिए, ये जब हम सोफे चढ़ाते ना कि हमारे अपनी जगह सीलते नहीं है, कोई टेंशन नहीं होती बच्चे ऊपर भागे जो कुछ भी करें। जी गैस कपड़े जो है हमारे खुश हो गए हैं, ये कल जो मैंने धोए थे वो वाले हैं, कल जो है ये थोड़े वजनी थे तो गिले थे, मैंने इसलिए उतारे नहीं है, तो अभी ये खुश हो गए हैं, उतारते हैं और कमरे की सफाई करते हैं। कमरे का बहुत बुरा हाल हो पड़ा है, कवर वगैरह मैंने सारे धोए हैं ना, तो बस अंदर की सफाई भी सही नहीं की है, मैंने कहा अंदर से इतना बुरा हाल हुआ पड़ा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरे कमरे का क्या हाल हो गया,
सारे जो कपड़े धोए हुए थे सारे बिखरे पड़े हैं, और जो सरहाने थे उनके कवर भी मैंने उतार दिए थे, वो भी मैंने धोए हैं। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कमरे का जो है इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है। और अभी तो आप लोग ऐसे देख रहे हैं बुरा हाल, थोड़ी देर बाद देखिएगा मैं कैसे अपने कमरे को नीट एंड क्लीन कर लूँगी। तो वीडियो को आप लोगों ने बिल्कुल स्किप नहीं करना, मैं कमरे की सफाई करने लगी हूँ और आप लोगों ने पूरा मेरे वीडियो को वॉच करना है। तो फाइनली रूम की जो है वो सफाई मैंने कर ली है अच्छी तरह से। इस बार जो है आप लोगों ने देखी है मैंने सीन की है सारे रूम की, और उसके बाद जो है ये मैंने जो है सुखों के कमरे में चढ़ाए हैं, बेडशीट बेड के ऊपर चढ़ाई है। तो मुझे तकरीबन जो है ना 2-2.5 घंटे हो गए मैं रूम की सफाई कर रही हूँ। तो माशाल्लाह रूम, अब आप लोग मेरा व्यू करें आप लोगों को मेरा रूम कैसा लग रहा है, मैंने बहुत मेहनत की है जी। तो अब मैं आप कमरे अपने कमरे का जो है बहुत अच्छे से व्यू करवाती हूँ। ये है पर्दे, ये मैंने पहले ही धो लिए थे तकरीबन हफ्ता हुआ है, ये मैंने जब किसी को दो दिन के साथ में धोए थे। तो उसके बाद ये है मेरे सोफे, ये सोफे है लाइफ में यहाँ पे जो है ये यहाँ पे मतलब हम जो रजाई वगैरह होती है सिर्फ अपने रूम की, ये रजाई पड़ी हुई है और ये है हमारी सिर्फ अलमारी, ये है ये लॉक वाली है, इसमें हम पर्सनल चीज़ें रखते हैं, मीन्स के पैसे हो या फिर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ हो वो हम इसमें रखते हैं इस लॉक में। बाकी ये है हमारी कपड़ा वाली अलमारी, इसमें मेरा लैपटॉप होता है। तो ये जो नीचे वाला है इसमें मेरे जूते होते हैं। तो आगे जी
गाइस, तो आगे है ये है शोकेस, जो कि पूरे रूम में मेरी ये फेवरेट चीज़ है, क्योंकि मैंने बर्तन इसमें रखे, मैंने बड़े शौक से मैंने बर्तन रखे हुए हैं। और ये जिन सेट आपको वाइट नज़र आ रहा है ना, ये मैंने अगले दिन ही लिया है। तो ये है इसका शीशा, मैं भी आपको खोल के चेक कराती हूँ। एक ये है और एक ये है शीशा। ये गिलास आप लोग देख रहे हैं, ये है हमारी शादी का, जिसमें मेरे हस्बैंड जो दूल्हे राजा थे, उन्होंने जो है इसमें दूध पिया था, जो दूध पिलाई का होता है ये वो है। मैंने रखा हुआ है बड़ा सेफ, इसे मतलब जो है ना वो अच्छी यादें होती हैं। शीशा बंद कर देते हैं। मैंने इसमें जो मुझे गिफ्ट मिले हैं बस वही मैंने रखे हुए बर्तन, बाकी मेरे हैं लेकिन वो अभी महफूज पड़े हुए, क्योंकि हमने स्किले वगैरह नहीं बनाई है, हमने वो सीलिंग की है छत, इसलिए बाकी बर्तन जो है सारे मैंने सेफ रखे हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह यूज़ करूँगी लेकिन अभी नहीं यूज़ करूँगी। और ये मैंने गिफ्ट यहाँ पर सेफ रखे हैं। आगे मैं आप लोगों को अपने बेड का व्यू करवाती हूँ। ये जो ऊपर आप लोग देख सकते हैं ना, ये भी गिफ्ट ही है, ये भी गिफ्ट है गाइस। ये जो दो झूले बने हुए, जब हमने अब्दुल हादी की बर्थडे की थी ना, ये दो झूले जो है मुझे तब, ये आप लोग देख सकते हैं, लॉक लगा हुआ है ये, जब अब्दुल हादी के अपने बर्थडे की थी ना, ये तब के लगे हुए हैं। तो मतलब देखें अब थोड़े जो है ना वो ख़राब हो चुके हैं, इनकी भी सेटिंग हमने करनी है। दूसरा साल माशाल्लाह जो है वो होने वाला, अब्दुल हादी जो है वो 2 साल का होने वाला है, तो इसको मज़ीद जो है ना खूबसूरती से हम सजाएंगे। और कमरा जो है इंशाल्लाह हम पूरा इस दफ़ा बड़ी खूबसूरती से अब्दुल हादी की हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, और आप लोगों को भी हम इनवाइट करेंगे। और आप लोग जी गाइस, तो फाइनली आप लोगों को आज मैंने पूरा कमरा दिखाया है, आप लोगों ने मेरे पूरे कमरे का व्यू किया है, और आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरा रूम कैसा लग रहा है, कमेंट्स में आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है। तो आज का व्लॉग जो है वो सिर्फ इतना ही था, आज का व्लॉग यहीं था।